कैसे कोर्स को शॉर्टलिस्ट करें आईदर यूर गोइंग फॉर यू जी और पीजी और एनी लेवल ऑफ कोर्सेज वो हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में सो लेट्स गेट राइट सो आर फ्यू पॉइंट्स यू नीड टू गिट्सिडर इफ यू वॉन्ट टू काइंड ऑफ इवेलुएट कि आपको क्या कोर्स करना चाहिए सबसे पहली चीज है आपको अपनी पसंद और ना पसंद जो है वो पता होनी चाहिए एंड इस पर मैंने कुछ स्लाइड्स आगे भी बनाई हैं जिसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे पर अभी डीज आर फ्यू पॉइंटर्स देन उसके साथ साथ आपको फ्यूचर ग्रोथ भी कंसिडर करनी चाहिए बिकॉज एंड ऑफ द डे आप उस कोर्स करके कोर्स को करने के बाद कहीं ना कहीं जॉब करना चाहोगे वहां पे सेटल होना चाहोगे तो ये दूसरा पॉइंट है तीसरा चीज है कि आई मीन लेट्स इफ यू नॉट एबल टू डिसाइड यू कैन आस्क फॉर एडवाइस राइट टू द मेंटर्स टू द काउंसिलर्स राइट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट ट्राई टू गेन सम सम्स ऑन एक्सपीरियंस टू गेट अ क्लियरिटी की येस आई वॉन्ट टू डू दिस और नॉट सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं दैट इज नो अबाउट लाइक्स एंड डिसक्स जब आप किसी चीज को लेकर पैशनेट होते हो और अगर आप वही कोर्स कर रहे होते हो एंड वॉट यू वुड लाइक टू स्टडी योर एंटायर स्टडी एक्सपीरियंस विल बी मोर फुलफिलिंग आपको मजा आता है पढ़ने में आप अपनी इनपुट्स देते हो आप एक्साइटेड होते हो एग्जाम्पल के तौर पर आई गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल आई लाइक यू नो राइडिंग बाइक तो आई दर इट्स कोल्ड वॉट पर वेन आई राइड बाइक इट्स अ ऑल टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस भले वो ठंड हो भले वो टेम्परेचर यू you नो know, कितना ही uh, कम हो ज़्यादा हो बट इट्स अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बिकॉज आई लाइक डूइंग दैट एग्जाम्पल सेम यहाँ पे भी एप्लीकेबल है कि अगर आप वो चीज़ पिक करते हो जिसमें आपको मजा आता है तो आप जस्टिफाई कर सकते हो स्पेसिफिक कोर्स को और अपना हंड्रेड परसेंट दे सकते हो बिकॉज अब्रॉड में क्या होता है इंडिया में अगर हम एम बी ए में बात करें टॉप कॉलेज की या फिर हम पी एच में बात करें तो थीसिस होते हैं वेर इज अब्रॉड में इवन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए थीसेज जहाँ पर आपके स्टडीज के बारे में पढ़ते हो पढ़ाई जाता है आपको थीसिस में आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं जिस पर आपको रिसर्च करके अपना खुद का कंटेंट जो है प्रोड्यूस करना पड़ता है जिसके ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल इट इज़ इंपोर्टेंट टू प्रायोरिटाइज योर इंटरेस्ट एंड पैशन वेन चूजिंग वॉन्ट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया एंड it is essential to consider the things you don't enjoy before deciding what to study see your likes dislikes the course structure syllabus and other related details and that is also one of the reasons many jitne students ke videos dekhe hain jo abroad gaye hain unka bhi yahi kehna hai ki you know the reason for coming abroad is practical education for sure, explore करने के साथ साथ और जितने diverse courses हैं वैसे courses वैसी opportunities इंडिया में उन courses को लेके नहीं है नाउ ऑल्सो कंसिडर फ्यूचर ग्रोथ लग से आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो आप देखो कि वहाँ पर फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से किस कोर्स की ज़्यादा डिमांड है यू कुड डू समर्च एंड डिमांड जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया जॉब मार्केट डेटा सोर्सेज डैशबोर्ड्स इंक्लूडिंग द स्किल्स शॉर्टेज रिसर्च प्रोग्राम आप देख सकते हो कि इन फ्यूचर लग से आप दो साल बाद या तीन साल बाद या चार साल बाद किस चीज़ की ग्रोथ आने वाली है तो उसके हिसाब से भी कहीं ना कहीं अपनी इंटरेस्ट देन उसके साथ साथ मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप Course, decide kar sakte ho. once you know what kind of skills you need in Australia, you have to look at the relevant study courses that might interest you. But do not forget to remember thinking what kind of job you want to and how you'll align with your dreams. Means that you will find something you'll genuinely enjoy to study and for work as well. So that's the second point. Now, ask for advice. You can ask your siblings, classmates, alumni of Australian education providers.

इन टू इंजीनियरिंग बिकॉज वो उनके जो उसमें पढ़ाया जा रहा है वो उनकी पर्सनैलिटी को सूट ही नहीं करता है तो अगर आप उससे रिलेटेड इंटर्नशिप्स करोगे या कोई भी पार्ट टाइम जॉब करोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मिलेगा और आप ये फाइनलाइज कर पाओगे दट दिस इज समथिंग आई रोली वॉन्टेड टू ऑप्ट फॉर माई करियर फॉर माई यू नो यू नो फ्यूचर सो ये कुछ पॉइंट्स है जिसके थ्रू आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए आई थिंक दैट्स प्रडिंग मच अबाउट दिस वीडियो एंड I think that's all done. So do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.